वेल्स में तभी तो हम लोग एक गलती कर रहे थे कि हमने अब से पहले जो है कैलेंडर एप्लीकेशन का जो है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन ऑन नहीं करके रखा था। हमें हमेशा फ्लोटिंग नोटिफिकेशन जो है कैलेंडर का वो ऑन करके रखना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूँ, ये नोटिफिकेशन के अंदर आता है, इसका फ्लोटिंग नोटिफिकेशन ये रहा, ये तुम्हें दिख पा रहा होगा ये वाला ना। तो फ्लोटिंग नोटिफिकेशन ऑन करने से क्या होता है कि फ्लोट करने लगता है ऊपर स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे कुछ आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे इतना सा थोड़ा सा बन के कुछ आ जाता है, इतना सा एक बॉक्स बन के आता है और बता देता है। तो इससे क्या होता है कि हम वो पर्टिकुलर लाइन पढ़ लेते हैं, 5 सेकंड लिया था उतने देर में हम पढ़ लेते हैं, वो अपने आप चला जाता है। इसे जब भी मोबाइल चला रहे होते हैं तो वो हम पढ़ लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि नोटिफिकेशन कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के नोटिफिकेशन होते हैं। लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, लॉक स्क्रीन पे आ जाएगा, ये होता है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, इस तरह से फ्लोटिंग नोटिफिकेशन होता है, और होता है नोटिफिकेशन बैचेस जो कि नोटिफिकेशन पैनल में बन के आ जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी से समझने की कोशिश करूँ, है ना। ये ज़रूरी भी है। तो कैलेंडर का हमेशा नोटिफिकेशन पैनल में रखना।